जय हिंद दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। देखो, आप लोगों ने अग्निवीर का एग्जाम दे रहे, अभी एग्जाम चालू है और बहुत से बच्चों का एग्जाम भी हो गया है। अभी सब के बच्चे में एक ही दिमाग में चल रहा है कि जी अग्निवीर में क्वेश्चन और कट ऑफ क्या होगा। मतलब ये तो कट ऑफ डिक्लेयर ही नहीं करते जो आर्मी वाले। तभी बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर जी ये हमें कितना क्वेश्चन बरोबर या सही बनाना चाहिए। हर बच्चे के दिमाग में यही चल रहा है मेरा दोस्त। फिर देखो अग्निवीर का अंदाजित जो कट ऑफ होगा, देख लो मेरे दोस्त, इसके जो हम बताएंगे इसके नजदीक होगा, या तो एक मार्क आगे जाएगा, एक तो एक क्वेश्चन पीछे जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सोच लो या देख, मतलब सोचो मेरे दोस्त कि आपको कितना क्वेश्चन बराबर या सही बनाना है। क्योंकि बहुत से बच्चे, हम भी एग्जाम सेंटर के बाहर गए थे, बच्चों को देखा, बच्चों का जो एनालिसिस किया, बच्चा कैसे पेपर हैंडल कर रहा, मतलब पेपर को कैसे बनाने का तरीका, कोई बच्चा नया है, कोई बच्चा कोई एक दो भर्ती दिया हुआ है, सेकंड भर्ती, थर्ड भर्ती, ऐसे बच्चे, कोई कोई लास्ट भर्ती वाले बच्चे भी। लेकिन उन बच्चों में भी कंफ्यूजन है कि अग्निवीर का जो क्वेश्चन, मतलब एग्जाम का कट ऑफ क्या बनेगा, हमें कितना क्वेश्चन सही बनाना होगा तब हम फाइनल में सिलेक्शन लेंगे अग्निवीर के। मतलब जो पिछले साल और ये साल, अब ये दोनों साल में बहुत सा पेपर में डिफरेंस भी है। जो पहले साल में बच्चों को मालूम नहीं था, बच्चों कहते थे सर जी पेपर बहुत टफ आ रहा है, लेकिन इस साल बच्चों को अवेयरनेस आ गया उस चीज का कि अग्निवीर वाले या जो एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो कंपनी, क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत से उपलब्ध भी है कि क्वेश्चन बनाने का तरीका कैसे, बहुत से ऑनलाइन भी चले, ऑफलाइन भी बैचेस चल रहे। मेरे पास भी एक ऑफलाइन बैचेस थी जो अग्निवीर की स्पेशल बैच थी, हमने ही 2 महीना अग्निवीर की बैच चलाई है। तो मेरे ही दोस्त है, मेरे ही स्टूडेंट है जो अग्निवीर की एग्जाम दिए और आप लोगों ने ही दिया है मेरे दोस्त। देखो अभी सबसे पहले इसका कट ऑफ से जानने से पहले इसका थोड़ा बहुत बेसिक जान लो, मतलब ये अग्निवीर का कट ऑफ कैसे बनेगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये जोन जोन के जोन पे मैटर करेगा या राज्य स्टेट पे मैटर करेगा। अभी है जो अग्निवीर का, यही आप सोचोगे यूपी बिहार, वहाँ कट ऑफ ज्यादा जाता है, वही इधर आप महाराष्ट्र और कोई जो राज्य है वहाँ कट ऑफ कम जाता है। लेकिन कट ऑफ कम जाता है और उन बच्चों को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, और आप महाराष्ट्र के बच्चों को कितना करना होता है, ये आप सबसे पहले डिफरेंस समझ लो दोस्त। देखो स्टेट वाइज होता है, और आप लोग एग्जाम भी देके आ रहे हो, जब आप ऑनलाइन में इसका रिव्यू देख रहे हो तो क्वेश्चन अलग ही होता है और आपको अलग ही पूछा होगा। आप बोले सोच में पड़ जाते हैं, यार सर जी हमने ऑनलाइन में देखा, कुछ तो क्वेश्चन हमारे मैच हुए, कुछ तो क्वेश्चन मैच नहीं हुए, जो बता रहे थे वो अलग थे और हमको अलग क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे एक बार देखो तो जोन हुआ है और क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता ही है। और सबसे पहले, और किसी बच्चा का पहले शिफ्ट में था, पहले दिन था, और किसी बच्चा लास्ट दिन में होगा। अभी वो सोचेगा लास्ट दिन वाला बच्चा कि सर जी मुझ पे तो अन्याय हो रहा है, जो पहले वाले शिफ्ट थी उसमें तो अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और जब हम लास्ट आए थे क्वेश्चन अभी लेवल टफ हो गए हैं। दोस्त देखो, जब भी कोई ऑनलाइन एग्जाम होती है, ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम में इसका नॉर्मलाइजेशन जो मेथड होता है, जो एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्ट में क्वेश्चन एग्जाम हुई उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। लेकिन यह अग्निवीर वालों ने नॉर्मलाइजेशन करना है या नहीं, क्योंकि इन लोगों का समझ में नहीं आता है, इसका कोई स्कोर कार्ड आता नहीं है, कोई कितने का आपको मार्क मिले वो भी नहीं समझ में आता है, उनका डायरेक्ट फाइनल लिस्ट लग जाता है कि इतने बच्चे क्वालिफाई हुए और उतने बच्चे क्वालिफाई नहीं हुए। तो मेरे प्यारे दोस्त देख लो, आपको कितना क्वेश्चन बनाना चाहिए जो एग्जाम में, आपको एक बार देख लो, क्योंकि इतना क्वेश्चन बनाना जरूरी है। जो पिछले साल मेरे दोस्त जो भी बच्चे गए थे, देखो जो ग्राउंड के लिए क्वालिफाई 20-22 क्वेश्चन पे ही बन गए थे पिछले साल। यस, ये मोटे मोटे बात कही जा रही है। जो पिछले साल अग्निवीर के बच्चे जो ग्राउंड को क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन इन बच्चों का सिलेक्शन होने में दिक्कत आई, क्योंकि ये लास्ट वाला स्कोर था, ये 20-22 बच्चे, 20-22 स्कोर जो आ रहा था, ये बच्चे क्वालिफाई हो गए थे ग्राउंड के लिए, फिजिकल के लिए, लेकिन आगे वो फाइनल मेरिट में नहीं बच रुक सके, वो बाहर निकल आए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आपको ये अग्निवीर में जो फाइनल सिलेक्शन लेना होगा, 30 के आगे ही क्वेश्चन बनाना है आपको, यही सही वाला।
30 प्लस ही क्वेश्चन बनाना है। जिस भी बच्चे का 30 प्लस क्वेश्चन बन जाता है वो बच्चा अग्निवीर में सिलेक्शन ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा, ये 60 प्लस स्कोर होता है, और जो कोई बच्चा ग्राउंड अच्छा होगा तो 160 के आगे स्कोर जाता है। कोई एनसीसी वाला बच्चा होगा वो तो प्लस में ही चलेगा, क्योंकि ये 30, 30 का दुगना होता है 60, और एनसीसी के और ऐड हो जाते उसमें, वो आगे ही चलता जाएगा। लेकिन कोई बच्चा, सर जी मेरे पास कुछ एनसीसी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी मेरे प्यारे दोस्त आपको 32 या 34 इससे इतना क्वेश्चन बराबर आना ही होगा आपको, इस दिमाग में बैठ लो। क्योंकि कोई कोई बच्चा मुझे बोल रहा है सर जी हम 20-22 क्वेश्चन बना क्या है, लेकिन हमारा 22 क्वेश्चन एकदम राइट है। मेरे प्यारे दोस्त 22 क्वेश्चन पे कुछ नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनता है। आपसे कम से कम 30 के आगे जो आपका राइट आ रहा है आप रिस्क मत उठाओ, लेकिन आपका 20 और 21 बराबर आए तो आप रिस्क उठाओ। आप 40-45 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो, 40-45 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्त 20-22 क्वेश्चन में। इसके वजह से जो भी बच्चा जाएगा, जो भी 30 के आगे क्वेश्चन राइट बनाएगा वो अग्निवीर में भर्ती में सिलेक्शन होगा, ये पक्का है। फिर आप यही टारगेट रखो मेरे दोस्त कि सर जी 30, और इसका कट ऑफ यही रहने वाला है। जो बच्चा 30-32-35 क्वेश्चन बनाएगा, राइट में क्वेश्चन बनाएगा, वो बच्चा अग्निवीर में सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, क्योंकि पेपर आसान भी आ रहा है और उसका फाइनल। लेकिन आपको मेरा यही, आप वीडियो बार बार देखो या सेव करके देखो, यही बच्चा, जो भी बच्चा 30 प्लस स्कोर बना के आएगा अग्निवीर में, वो बच्चा सिलेक्शन लेगा, वो अग्निवीर होगा, वो देश की सेवा करेगा मेरे प्यारे दोस्त। समझ में आ गया? आप लोगों को यही कंफ्यूजन था कि कितना क्वेश्चन बनाना चाहिए, तर आपको अभी जो अपना RS Academy है इस पे आपको बढ़िया से डिटेल में, क्योंकि हम भी इसके इस बारे में जो अग्निवीर की जो एग्जाम, इस बारे में हम भी 6-7 साल से जो एग्जाम की जो हम बैचेस चला रहे, मुझे मालूम है बच्चे का कैसे, बच्चा कैसे तैयार है, बच्चा कितना तैयार है, और कितने बच्चे तैयार है, कितने बच्चे तैयार नहीं है, और आप जा किधर भी जाओ वही सेम है। इसके वजह से मेरे प्यारे दोस्त जब भी होगा 30 के आगे ही क्वेश्चन राइट बनाने का प्रयास करें, उसके पीछे मत कोई 20-22-18 बराबर राइट करके छोड़ के आ रहा है वो गलत है। या कोई बच्चा किसी के सर जी हमें कुछ 10-15 हमारा पहला ही भर्ती, आप तो आराम से 40 के ऊपर ही क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि आपको 40 के नीचे क्वेश्चन बनाओगे आपका नहीं उसमें होगा। मेरे प्यारे दोस्त जो भी अभी जो भी आगे शिफ्ट में जाएगा वो बच्चे को अभी दिमाग में आ जाएगा कि यस सर जी हमें 30 के आगे राइट बनाना है और हम इसके आगे बनाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त ये सता अग्निवीर का कट ऑफ, इसके बारे में अग्निवीर में और जो भी अपडेट आएगी आपको आपके चैनल में, मतलब मेरा चैनल जो आपका चैनल है, मेरा नहीं आपका चैनल है जो RS Academy, इस पे हम अपडेट आपको बताएंगे अग्निवीर के बारे में, कैसा इसका फिजिकल क्या, आप इसको फॉलो कर लो मेरे प्यारे दोस्त, फॉलो कर लो, और जो अग्निवीर की जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी अपडेट आएगी आप तुरंत हम आपको बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त अग्निवीर में ये बदलाव हुआ है, ये अपडेट हुआ है। आप फॉलो कर लो, जरूर फॉलो कर लो, जिनसे आपको इस अग्निवीर के बारे में हर पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। फिर मेरे प्यारे दोस्त और कमेंट करो सर जी हमें इसके बारे में और बताओ कि ये चार्ज क्या होती है, इसका फिजिकल क्या, हम अब पूरा डिटेल आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त खुश रहो, जो 30 के आगे क्वेश्चन बनाओ, ये हमारा अभी संदेश था, और मेरे दोस्त को आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे देश की सेवा करने वाले है, और हमारे जो देश की सेवा करने वाले है इसके वजह से मेरे प्यारे दोस्तों को ये थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन सही बनाना है और कितना क्वेश्चन सही नहीं बनाना चाहिए। चलो मेरे प्यारे दोस्त कमेंट करो, और जो भी कोई नया बच्चा होगा, कोई बंदा होगा, मेरा दोस्त होगा, जो आप चैनल को फॉलो कर लो मेरे प्यारे दोस्त। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।